नमस्कार मेरे प्यारे साथियों साथियों, चलिए आइए हम लोग एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा करंट चोपिंग। करंट चोपिंग के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, जब आप अपना डिप्लोमा कर रहे होंगे या तैयारी के दौरान कोई बुक में पढ़े होंगे करंट चोपिंग। तो करंट चोपिंग इतना तो आपको पता होगा कि करंट चोपिंग की घटना सर्किट ब्रेकर में होती है, लेकिन करंट चोपिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है इस चीज़ को हमको पहले समझना है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आप ये देख रहे होंगे, ये मेरा एक फिगर बना है जिसमें ये मैं ग्राफ भी कह सकता हूँ, इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बारे में सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप इसको ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहले ये समझिए कि करंट चोपिंग का मतलब होता क्या है। आप जानते हो चाप मीन्स काटना होता है, जब किसी चीज़ को काटते हैं तो उसको एक इंग्लिश वर्ड है चाप बोलते हैं। तो यहाँ पर करंट चॉपिंग किया गया, मतलब आप कह सकते हो कि करंट को काटना। तो करंट चोपिंग होता क्या है और इसके कारण प्रभाव क्या होता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप समझिएगा करंट चोपिंग। आप मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और ये मान लीजिए मेरा क्या था, कोई फॉल्ट करंट हुआ करती थी। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं बड़ा बनाता हूँ। ये कोई फॉल्ट करंट हुआ करती थी, ये कुछ ऐसा ये फॉल्ट करंट। तो हम लोग कोशिश क्या करते थे, हम लोग ये चाहते थे कि सर्किट ब्रेकर मेरा उस पॉइंट पर ओपन हो जिस टाइम करंट मेरी ज़ीरो हो। सर्किट मेरा उस पॉइंट पर ओपन हो जिस टाइम मेरी करंट ज़ीरो हो। ये फॉल्ट कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम ये चाहते थे कि जब करंट की वैल्यू ज़ीरो पोजीशन पर हो उस टाइम मैं अपना सर्किट ब्रेकर ओपन करूं। मैं ऐसा चाहता था, और इसके बारे में पीछे डिस्कस कर चुका हूं, जहां तक मुझे लग रहा पिछले दो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तब इसके बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं। करंट चोपिंग की बेसिकली घटना होती है स्मॉल इंडक्टिव करंट में। जब स्मॉल इंडक्टिव करंट को, अगर मान लीजिए कोई ये स्मॉल इंडक्टिव मेरी करंट है, स्मॉल इंडक्टिव करंट में करंट चोपिंग की घटना होती है। करंट चोपिंग का मतलब होता है कि करंट को नेचुरल जीरो पॉइंट पहुंचने से पहले यहाँ कहीं काट दें, यहाँ काट दें। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, आप ये मानिए कि ये मेरी इंडक्टिव करंट है। तो करंट चॉपिंग का मतलब है कि करंट को जीरो पोजीशन से पहले, ये मेरा जीरो पोजीशन है, जैसे ये एक जीरो पोजीशन है, एक ये जीरो पोजीशन है, तो इस जीरो पोजीशन को छोड़ के और किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ से ब्रेक कर दें या यहाँ से ब्रेक कर दूं, तो ये मेरा कहलाता है करंट चॉपिंग। हाँ, तो आप ये पूछ सकते, ये आप कह सकते हो कि सर इसमें भी तो हम कर सकते थे कि हम यहाँ से काट देते करंट को, यहाँ से ब्रेक करते। करंट को काटने का मतलब, या तो करंट को ब्रेक करने का, यहाँ पर हमारा सिर्फ यहाँ पर मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट का ओपन होना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। करंट चॉपिंग या करंट काटने का मतलब यहाँ पर है कि आप सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को उस पॉइंट पर ओपन कर रहे हैं। अब आइए, यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब मेरी फॉल्ट करंट किलो एम्पियर में होती है, उस कंडीशन में अगर मैं जीरो पॉइंट के अपेक्षा अगर और किसी पॉइंट पर काटता हूँ, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर काट देता हूँ, आपको याद होगा करीब हम इस पॉइंट पर काट के दिखाए थे कि इस पॉइंट पर अगर हम काटते थे और हम माने थे कि यहाँ पर 15 किलो एम्पियर करंट है, तो इस कंडीशन में होता क्या था, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस बहुत हाई वोल्टेज डेवलप होता था। वो किसके कारण होता, वो इंडक्टर के कारण होता था, लगभग इनफाइनाइट वोल्टेज के बराबर वोल्टेज डेवलप होता था। ये कब की कंडीशन थी, जब मेरी करंट की वैल्यू बहुत अधिक थी, लगभग किलो एम्पियर में। अब करंट चोपिंग की घटना, सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि करंट चोपिंग की घटना होती कहाँ पर है। करंट चोपिंग की घटना जब हम स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक कहाँ पर करते हैं, उसके जीरो पोजीशन से पहले, करंट क्रॉसिंग नेचुरली जो जीरो है, अगर उससे पहले या उससे बाद कहीं पर भी हम इंडक्टिव करंट को ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर करंट चॉपिंग की घटना आती है। बात समझिएगा, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, करंट चॉपिंग की घटना
स्मॉल इंडक्टिव करंट को नेचुरली जीरो पॉइंट से पहले ब्रेक करने पर आती है। करंट चैपिंग की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट, इस इंडक्टिव करंट मेरी स्मॉल है और मैं इसको पॉइंट जीरो, जो उसका करंट क्रॉसिंग नेचुरल जीरो वाला पॉइंट है, उससे अगर पहले मैं ब्रेक करता हूँ तो वहाँ पर करंट चॉपिंग की घटना आती है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कोई हमारी स्मॉल इंडक्टिव करंट, मैं ये मानूँ कि ये मेरी स्मॉल इंडक्टिव करंट है और इसका जीरो पॉइंट, जो जीरो वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है, जो नेचुरल क्रॉसिंग जीरो है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा नेचुरली जीरो है, ये मेरा नेचुरली जीरो है या ये मेरा नेचुरली जीरो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि करंट को नेचुरली, स्मॉल इंडक्टिव करंट को नेचुरली जीरो पॉइंट से पहले, किसी भी पॉइंट पर नेचुरली जीरो से पहले किसी भी पॉइंट पर अगर मैं करंट को ब्रेक करूँ, मान लीजिए यहाँ पर हमने करंट को ब्रेक किया, यहाँ पर हमने करंट को ब्रेक किया, तो यहाँ पर करंट चॉपिंग की घटना होती है। आप कह सकते थे कि यहाँ पर भी हो सकती थी, ये हमारी फॉल्ट करंट है, ये स्मॉल इंडक्टिव करंट है, ये मेरा फॉल्ट करंट है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर ब्रेक करता, चूँकि यहाँ पर करंट जो किलो एम्पियर में फ्लो हो रही है, किलो एम्पियर में फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है, और इस टाइम अगर करंट को मैं चाप करूंगा या इस टाइम में करंट को जीरो करना चाहूंगा, तो इंडक्टर के क्रॉस बहुत हाई वोल्टेज डेवलप होगा, बहुत हाई वोल्टेज स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसके कारण सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के क्रॉस पुनः आर्क बन जाएगी। इसलिए फॉल्ट की कंडीशन में हम चाहते हैं कि करंट को जीरो पॉइंट पर ही हम ओपन करें। लेकिन स्मॉल इंडक्टिव करंट के केस में होता क्या है, अगर हम एक उदाहरण ले लें, हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का आगे आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर ब्लास्ट सर्किट अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, सर्किट ब्रेकर उसमें क्या क्या कैसे वोल्टेज डेवलप हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि सर्किट ब्रेकर के क्या क्या टाइप हैं, चाहे आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो या SF6 सर्किट ब्रेकर हो या आयल सर्किट ब्रेकर हो या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो। तो अब आइए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा कि कैसे करंट चॉपिंग की घटना हुई। जो मेरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा फिक्स कॉन्टेक्ट है मान लीजिए, और ये मेरा मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये मेरा मूविंग कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पर एयर है, ये एयर है, ये इधर से एयर है। होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होना स्टार्ट होता है, उस टाइम हम यहाँ से एयर का ब्लास्ट करते हैं। वो एयर का ब्लास्ट इसलिए करते हैं कि जैसे ही हमारा कांटेक्ट ओपन हुआ, इसके बीच कुछ आयनाइजेशन हो जाएगा, वो किसके कारण होगा, वोल्टेज के कारण होगा, जो सिस्टम में वोल्टेज लगा है उसके कारण होगा। तो वो जो आयनाइजेशन पार्टिकल हुआ उसके कारण यहाँ पर आर्क बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एयर का ब्लास्ट मारूंगा इस कॉन्टैक्ट के बीच में, तो जो आयनाइज पार्टिकल है वो बाहर चला जाएगा और यहाँ पर मेरी फ्रेश एयर आ जाएगी, जिसके कारण आर्क मेरी बुझ जाएगी। तो होता क्या है, जब हमारी स्मॉल इंडक्टिव करंट, जब अगर फॉल्ट करंट फ्लो होती है, अगर जब मेरी फॉल्ट वाली करंट किलो एम्पियर वाली फ्लो होगी, तो उसको अगर जीरो पॉइंट के की जगह मैं किसी अलग पॉइंट पर, मान लीजिए इस पीक पर, अगर मान लीजिए इस पीक पर ब्रेक करना चाहूं और इस यहां पर प्रेशर से मैं एयर को मारूं, आप फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये मेरी फॉल्ट करंट मान लीजिए इस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से फ्लो हो रही है, और मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरी करंट फ्लो हो रही है, मैं इसको इस पॉइंट पर कट करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर चाप करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पर मैं चाप करूँगा तो होगा क्या, इसके बीच आर्क डेवलप होगा तो ये जो कंप्रेस्ड एयर है, इसका ब्लास्ट एयर का जब पड़ेगा तो आयनाइज पार्टिकल बाहर चले जाएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये हाई करंट फॉल्ट करंट के केस में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम वोल्टेज हमारा बहुत इनफाइनाइट के करीब होता है, तो उसके कारण आर्क बनी की बनी रह जाएगी। एक होता देखिए, यहाँ पर जो ब्लास्ट वाली एयर है उसकी भी एक लिमिट है कि आप इतने वोल्टेज तक ही आयनाइज पार्टिकल को हटा सकते हैं। अगर वोल्टेज मेरा इनफाइनाइट है तो ये जो ब्लास्ट एयर का ब्लास्ट है वो आयनाइज पार्टिकल को नहीं ख़त्म कर पाएगा।
ओवनाइज्ड पार्टिकल को नहीं ख़त्म कर पाएगा। लेकिन अब आइए इस टॉपिक में, लेकिन जब हमारी स्मॉल इंडक्टिव करंट फ्लो होती है, स्मॉल इंडक्टिव करंट फ्लो होती है उस कंडीशन में अगर मैं उदाहरण ले लूं कि मेरा ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर को नो लोड पर आप चार्ज कर दें, आप मशीन पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर भी पढ़े होंगे, नो लोड पर उसको अगर सप्लाई दे दें तो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह वो बिहेव करता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली कॉइल होती ही है, अगर उसमें लोड नहीं लगाते नो लोड की कंडीशन में, उसका पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है और वो एक तरीके का इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है मेरा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मान लीजिए हमने नो लोड पर चार्ज किया, उसमें चार्जिंग करंट मान लीजिए 10 एम्पियर, यहाँ पर फॉल्ट के लेवल में किलो एम्पियर में होता, मतलब 1000 गुना लगभग हो रहा था, यहाँ पर लगभग 10 एम्पियर की करंट है या 5 एम्पियर की करंट मान लीजिए। उस कंडीशन में भले इस कंडीशन में ये देखिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर, ये मेरी स्मॉल इंडक्टिव करंट है, यहाँ पर इसका पीक मैं माना हूँ कि 10 एम्पियर और यहाँ पर मान लेता हूँ 5 एम्पियर, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 5 एम्पियर, यहाँ पर अगर करंट को मैं ज़ीरो कर दूँ, यहाँ पर अगर करंट को मैं ज़ीरो करूँ, यहाँ पर मैं करंट को कट करूँ, तो यही मेरा कहलाएगा करंट चॉपिंग। अब इधर जब बात होती थी, जब फॉल्ट करंट में बात होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था, इनफाइनाइट वोल्टेज डेवलप हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर हमने करंट को चाप किया, इस पॉइंट पर हमने 5 एम्पियर की जगह करंट को चाप किया, तो इसके कारण भी सर्किट ब्रेकर के क्रॉस एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। सर्किट ब्रेकर के क्रॉस प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होगा और वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज अगर सर्किट ब्रेकर, वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज कहाँ डेवलप होगा, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इस सर्किट ब्रेकर के एक्रॉस लगेगा। अगर ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज, यहाँ पर जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज अगर इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आयनाइज कर दिया, इस सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आयनाइज कर दिया, तो फिर से आर्क जनरेट हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ, जो कांटेक्ट के बीच मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर उसको आयनाइज कर देगा तो आर्क मेरी फिर से डेवलप हो जाएगी। अगर मेरा जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आयनाइज नहीं कर पाया, तो वहीं से करंट मेरी ज़ीरो हो जाएगी। तो करंट कहाँ से ज़ीरो हो जाएगी, मानूँ कि नहीं आयनाइज कर पाएगा, तो करंट मेरी यहीं से 5 एम्पियर से यहीं से ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था जहाँ से मेरा आर्क वोल्टेज आया या स्ट्राइकिंग वोल्टेज का जिक्र हुआ या तमाम सारी चीज़ें, रिकवरी वोल्टेज का जिक्र हुआ, अभी तक हम इससे पहले ये समझते चले आ रहे थे कि हम करंट सर्किट ब्रेकर को हमेशा ज़ीरो पोजीशन पर ही ओपन करते हैं। वो क्यों ओपन करते हैं, वो मेरी मजबूरी है ओपन करने का। अगर मैं करंट क्रॉसिंग नेचुरली ज़ीरो पॉइंट पर सर्किट ब्रेकर को ओपन नहीं करूँगा, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के एक्रॉस बहुत अधिक वोल्टेज डेवलप होगा, बहुत अधिक वोल्टेज, लगभग इनफाइनाइट वोल्टेज डेवलप होगा। ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं ज़ीरो पॉइंट पर ओपन करता हूँ। अगर और किसी पॉइंट पर मैं ओपन करूँगा, तो मैं जो सर्किट ब्रेकर के बीच जो आर्क डेवलप होगी, मैं उसको बुझा ही नहीं पाऊँगा। मतलब ये हुआ कि फॉल्ट करंट बनी की बनी रह जाएगी। लेकिन जब स्मॉल इंडक्टिव करंट की बात आई, स्मॉल इंडक्टिव करंट में हमने ये पाया कि स्मॉल इंडक्टिव करंट को, अगर करंट की वैल्यू कम है और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर का ब्लास्ट हम देते हैं, वो अगर अधिक हो गया उसकी अपेक्षा, तो वो करंट जीरो पोजीशन से पहले ही कहीं ब्रेक हो जाएगी। जीरो पोजीशन से पहले ही अगर कहीं स्मॉल इंडक्टिव करंट ब्रेक हो गई, तो उसमें एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगा और इन्हीं सब घटनाओं को हम बोलते हैं करंट चॉपिंग। करंट को, स्मॉल इंडक्टिव करंट को नेचुरल जीरो पॉइंट से पहले ब्रेक करने की घटना को ही हम बोलते हैं करंट चॉपिंग। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। और ये घटनाएं होती कहाँ हैं, वो इंडक्टिव लोड में होती हैं, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर हो या रिएक्टर हो, वो वहाँ पर होती हैं। हम स्मॉल इंडक्टिव करंट की बात करते हैं, यहाँ पर करंट चॉपिंग की घटना होती है। अब चाहे तो आप एक सर्किट भी बना सकते हैं, इसकी हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो बना लो ऐसे समझने के लिए, आप चाहो तो बना लो। ये मेरा सोर्स है,
यहाँ पर ये सोर्स लगा हुआ है और ये सर्किट का इंडक्टर है, सर्किट का रिएक्टेंस कहें, और ये सर्किट का स्ट्रे कैपेसिटेंस है, और ये मेरा सर्किट ब्रेकर हो गया, ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, और इधर इंडक्टिव लोड लगा है, इंडक्टिव लोड। तो अभी तक हमारी ये बात निकल गया है कि सर्किट ब्रेक की इस करंट चोपिंग की घटना कहाँ पर होती है। करंट चोपिंग की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करने पर करंट चोपिंग की घटना होती है। तो अब आइए यहाँ पर हम समझते हैं कि ये करंट चोपिंग की घटना कैसे कैसे हुई। देखिए ये मेरा देखिए ऐसा करते हैं, पहले दो तीन लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं, तब फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करंट चोपिंग की डिफिनीशन लिख लीजिए। आप ये लिखा है दिस फेनोमेना, सब लोग लिखिएगा दिस फेनोमेना ऑफ द इंटरप्शन ऑफ करंट, दिस फेनोमेना ऑफ द इंटरप्शन ऑफ करंट बिफोर इट्स नेचुरल जीरो इज कॉल्ड करंट चोपिंग। एक बार फिर से सुनिएगा, दिस फेनोमेनन ऑफ द इंटरप्शन ऑफ करंट बिफोर इट्स नेचुरल जीरो इज कॉल्ड करंट चोपिंग। और ये एक चीज और जान लीजिए, करंट चोपिंग की घटना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होती है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, करंट चोपिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। करंट चोपिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, करंट चोपिंग की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करने पर होती है। अब एक एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर नो लोड करंट। अब यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये जितना मैं अभी आपको तीन पॉइंट लिखाया हूँ, ये तीनों पॉइंट आपके सामने डिस्कस भी किया हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ और चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक अभी ये समझा होगा कि करंट चोपिंग की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करने पर होती है, और वो कब होगी, जब स्मॉल इंडक्टिव करंट को नेचुरली जीरो पॉइंट से पहले अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर स्मॉल इंडक्टिव करंट को नेचुरली जीरो पॉइंट का मतलब ये होगा, ये मेरी स्मॉल इंडक्टिव करंट है। आपसे ये कहा जाए कि क्या अगर मैं इस स्मॉल इंडक्टिव करंट को इस जीरो पॉइंट पर ब्रेक करूं तो क्या यहां पर करंट चोपिंग की घटना आएगी? नहीं, यहां पर करंट चोपिंग की घटना नहीं आएगी। लेकिन अगर इसी स्मॉल इंडक्टिव करंट को जीरो पॉइंट से पहले किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर ओपन करूं, तो यहां पर करंट चोपिंग की घटना आएगी। करंट चोपिंग की घटना से होता क्या है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के एक्रास एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। अगर वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इसके बीच जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज अगर इसके डायलैक्ट्रिक मीडियम को, यहाँ पर जो भी डायलैक्ट्रिक मीडियम है अगर इसको आयनाइज कर देगा तो फिर से मेरी आर्क बन जाएगी। अगर फिर से
फिर से जो आर्क बनी, आर्क मतलब आर्क करंट, फिर से जो आर्क करंट बनी, अगर फिर से उसको डायलेक्ट्रिक मीडियम के कारण वो करंट फिर से चाप हो जाए, आर्क करंट फिर से अगर वो चाप हो जाए तो फिर से एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बनेगा। अगर वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज फिर से इस मीडियम को आयनाइज कर देगा तो उसके कारण क्या होगा, फिर से आर करंट फ्लो होने लगेगी और वो जो आर करंट फ्लो होगी अगर उसको फिर से एक डायलेक्ट्रिक मीडियम में लगा दूँ और उस डायलेक्ट्रिक मीडियम के कारण वो आर करंट हमारी चाप हो जाए या आर करंट मेरी जीरो हो जाए और उसके बाद जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना वो इसके मीडियम को आयनाइज ना कर पाए तो उस कंडीशन में करंट मेरी जीरो हो जाती है। मैं समझता हूँ आपको ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा ये मेरा स्टेटमेंट। आइए इसको इस फिगर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये माना गया है ये मेरी कोई करंट फ्लो हो रही थी और यहाँ पर जैसे सर्किट ब्रेकर ओपन होना स्टार्ट हुआ तो आर्क बनी, आप समझिएगा, ये कुछ ऐसा है, ये मेरी करंट है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी करंट है, ये आर करंट हुई कैसे, यहाँ पर मान लीजिए सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन होना स्टार्ट हुआ था तो ये आर्क बनी थी। आप ये देखिए, ये मेरी कोई करंट है, ऐसा है पूरा, ये करंट का निगेटिव हाफ साइकिल का यहाँ पर दिखा के समझाया गया है। निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल इससे कोई मतलब नहीं है, निगेटिव हाफ साइकिल लेके ये समझाया गया है। तो ये मेरा एक्सिस है, इसके नीचे ये निगेटिव साइकिल है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होना स्टार्ट होगा यहाँ पर एक आर्क बनेगी। तो आर्क के कारण, आर्क की कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है उसको मैं बोलता हूँ आर्क करंट या आर्किंग करंट। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या हुआ, आर्क करंट फ्लो हुई। कहाँ से कहाँ तक आर्क करंट फ्लो हुई, यहाँ से यहाँ तक मेरी आर करंट फ्लो हुई। आप लोग देख, मैं समझ रहा हूँ दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो करंट फ्लो हुई वो क्या फ्लो हुई, आर करंट। वो कब फ्लो हुई, जैसे ही मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन होना स्टार्ट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट जैसे ही ओपन होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर मेरी कंप्रेस्ड एयर है, ये एयर है। सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट इस पॉइंट पर जब ओपन होना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर आर करंट बनी थी और ये आर करंट में जैसे मैं डायलेक्ट्रिक मीडियम लगाया, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम इसमें भेजा या एयर का ब्लास्ट हमने भेजा, यहाँ पर मैं ये देखता हूँ ये करंट जो ऐसे फ्लो हो रही थी ये घट कर ये जीरो हो गई। करंट क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुई, इसके बाद यहाँ घटकर जीरो हो गई। बात समझिएगा, पहले मेरी आर करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुई थी, उसके बाद जैसे ही मैं इस पॉइंट पर डायलेक्ट्रिक मीडियम अप्लाई किया हूँ वैसे ये मेरी करंट घटकर जीरो हुई, करंट जीरो हो गई। अब होगा क्या, ये करंट जैसे ही मेरी जीरो होगी उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के एक्रास, हम आपको बताए थे जैसे मैं इंडक्टिव करंट को ब्रेक करता हूँ सर्किट ब्रेकर के एक्रास एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। तो अब आप समझिए ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ कैसे, यहाँ तक की कंडीशन क्या दिखाई गई है, आर करंट दिखाई गई है। अगर जब मेरी सर्किट ब्रेकर में आर्क करंट फ्लो होगी तभी सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट एक्रॉस मेरा आर्क वोल्टेज आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला डाटा यहाँ तक आर्क वोल्टेज दिखाया गया है, ठीक है, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब उसके बाद होता क्या है, जैसे ही सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता है इसके एक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई होता है। अगर हम प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज की बात ना किए होते तब हम क्या बोलते, हम बोलते कि इस कांटेक्ट एक्रॉस एक सिस्टम वोल्टेज अप्लाई हुआ। क्या हुआ, सिस्टम वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर
हम स्मॉल इंडक्टिव करंट है उसको हम चाप करते हैं, तो यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज, चूँकि सिस्टम वोल्टेज हमारा क्या होता है, मान लीजिए 11 के वी है, तो हमारा जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज है हो सकता है वो 765 के वी का डेवलप हो, तो इस सिस्टम वोल्टेज की अपेक्षा ये जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सिस्टम वोल्टेज का यहाँ पर जिक्र ही नहीं करते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही मेरा सर्किट, जैसे ही मेरी करंट, देखिए बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर करंट को चाप किया हूँ, करंट मेरी जीरो हुई, करंट मैं काटा हूँ, वैसे क्या होगा, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस मेरा एक वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो अब सर्किट ब्रेकर, पहले जब मेरा करंट फ्लो हो रही थी तब यहाँ तक आर्क वोल्टेज था, और जैसे ही सर्किट ब्रेकर का करंट जीरो हुई तो वैसे ही एक वोल्टेज बिल्डअप होगा। ये देखिए ये वोल्टेज मेरा ऐसे बढ़ रहा है, ये वोल्टेज मेरा आके यहाँ तक बढ़ा, ये मेरा यहाँ तक वोल्टेज आया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या, यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ से वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बढ़ते 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 इस पॉइंट तक मेरा वोल्टेज आया, और जो यही वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक बना यही मेरा कहलाता है प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज। तो अब आते हैं, अब हमने क्या बताया कि सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट जैसे ही हम करंट को चॉप करेंगे और सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट जब ओपन होगा तो उसके अक्रॉस एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होगा, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हो गया। और फिर हमने ये बताया कि अगर इस प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज, ये जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इसमें डेवलप हुआ, ये जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज यहाँ पर जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ, अगर ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इस सीबी कांटेक्ट के बीच जो मीडियम है इसको आयनाइज कर दे, इसको अगर आयनाइज कर दे तो क्या होगा, इसके बीच पुनः आर्क बन जाएगी। तो हमने ये माना, अब बात को समझिएगा, फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये बोला हूँ कि जब हम करंट को चाप करेंगे तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होगा। अगर ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इस सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच वाले मीडियम को आयनाइज कर देगा तो फिर से आर्क मेरी डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये मेरी आर करंट थी, इसको हमने चाप किया, मतलब ये जीरो हुआ, जैसे ये करंट मेरा जीरो होगा इस सर्किट ब्रेकर के क्रॉस एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होगा, तो ये आर करंट से सीधे, पहले आर्क वोल्टेज था सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस, अब आर्क वोल्टेज की जगह क्या डेवलप हो गया, प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज। तो यहाँ से बहुत तेज़ी से ये वोल्टेज बढ़ा, यहाँ तक पहुँच गया, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना। अब ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज यहाँ पर क्या कर दे रहा, इतना ज़्यादा बन गया कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच, जो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच का जो मीडियम है, जो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच का जो मीडियम है इसको पुनः आयनाइज कर दिया, ये पुनः आयनाइज कर दिया। अब जब इसको आयनाइज कर देगा, तो यहाँ पर आप जानते हो फिर से आर्क डेवलप हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया कि ये मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इतना अधिक है, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इतना यहाँ पर अधिक है कि यहाँ पर आप देखिए फिर से, ये देखिए करंट यहाँ जीरो थी, यहाँ से यहाँ तक जीरो रही, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा, प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज को अप्लाई होने में समय लगा, और ये लगभग ये सब माइक्रो सेकेंड का खेल है, माइक्रो सेकेंड में होता है। यहाँ से यहाँ तक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा इतना बिल्डअप हो गया कि इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर आर्क पुनः डेवलप हो गई, और उस आर्क के कारण मेरी आर करंट फिर ये देखिए यहाँ से आर करंट फिर मेरी बनी, और ये आर करंट ऐसे फ्लो होने लगी। अब जैसे ही मेरा आर्क करंट फ्लो होगा उस कंडीशन में फिर से मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा था वो फिर से जीरो हो जाएगा। आर्क करंट फ्लो होने का मतलब यहाँ पर करंट हमारी प्रवाहित होने लगी, जब करंट हमारी प्रवाहित होने लगी तब यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा, आर्क वोल्टेज बनेगा, वहाँ पर प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज नहीं रह जाएगा, इस कंडीशन में मेरा आर्क वोल्टेज रहेगा। तो इस कंडीशन में इसीलिए जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा बना था वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज फिर घट जा रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। और दोबारा फिर से हम क्या देखते हैं, मतलब ये हुआ कि करंट हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी जीरो, यहाँ जीरो हुई, यहाँ तक जीरो रही, और इतने टाइम में हुआ क्या, प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा बिल्डअप हो गया और फिर से आर करंट मेरी बन गई, फिर से आर करंट बन के ये मेरी आर करंट फिर से मेरी ये फ्लो होने लगी।
यहाँ से फिर से आर करंट मेरी फ्लो होने लगी। अब जब फिर से आर करंट फ्लो होगी, फिर वही घटना होगी, फिर उस घटना में फिर से हमारा जो जो फिर से सर्किट ब्रेकर में जो डायलैक्ट्रिक मीडियम में फिर से इस करंट को चाप करना चाहेगा, फिर से इस करंट को ब्रेक करना चाहेगा। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट पर करंट को ब्रेक करता है, करंट मेरी यहाँ जाके जीरो हो जाती है। और इस कंडीशन में फिर से देखिए जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा जो जीरो हो गया था, वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा फिर से ये बढ़ने लगता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद ये करंट देखिए यहाँ जीरो हो गई, उसके बाद फिर कुछ टाइम फिर ये यहाँ से यहाँ के बीच का जो समय है, इतने समय में फिर से मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज जब बिल्डअप हो गया, और इस प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज के कारण फिर से सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच आर्क बन गई। और वो जो आर्क बनी, वो आर्क क्या बनी, ये वाली आर्क करंट बनी। मतलब कि यहाँ से यहाँ मैं करंट को जीरो किया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं करंट को जीरो किया था। ये वाला पॉइंट है और यहाँ मैंने करंट को जीरो किया या करंट को चाप किया, तो यहाँ तक करंट तो जीरो रही, लेकिन जब मेरा इसके बीच जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना, वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच के मीडियम को आयनाइज कर देगा, तो फिर से मेरी आर करंट बहने लगेगी। तो वही हुआ, यहाँ से फिर से मेरी ये आर करंट बह रही है, फिर से बहने लगी। और जब मेरी आर करंट बहना स्टार्ट होती, उस कंडीशन में प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा जीरो हो जाता है। इसलिए जीरो हो जाता है क्योंकि जब करंट यहाँ पर फ्लो होने लगी तो यहाँ पर आर्क वोल्टेज हो जाएगा, फिर प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज नहीं रहेगा। अब फिर से यहाँ पर जब करंट फ्लो हुई, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा फिर से एक बार करंट मेरी इस पॉइंट पर चाप हो गई। फिर से जब करंट मेरी चाप हुई तो उसके बाद हुआ क्या, फिर से यहाँ पर एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ। ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज यहाँ पर आके डेवलप हुआ। इसके कारण सर्किट ब्रेकर के क्रॉस फिर से मीडियम जो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होने के कारण फिर से मेरी ये आर करंट, यहाँ से फिर से मेरी आर करंट फ्लो होने लगी। यहाँ से मेरी आर करंट फ्लो होने लगेगी। अब जैसे ही मेरी आर करंट यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो हुई, इस पॉइंट पर फिर से मेरा डायलैक्ट्रिक मीडियम करंट को चाप किया। और यहाँ पर जैसे ही करंट को चाप किया तो उसके बाद जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ, मैं देखता हूँ वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज काफ़ी कम रहा, इतना कम रहा कि वो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच का जो मीडियम है उसको आयनाइज नहीं कर पाया। जब आयनाइज नहीं कर पाया तो वहीं से करंट ख़त्म हो गई, वहीं से करंट देखिए यहाँ से आके यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये मेरा नेचुरली जीरो पॉइंट है का मतलब ये वाला पॉइंट। और करंट मेरी चॉपिंग के कारण कहाँ ब्रेक हुई, इस पॉइंट पर, मतलब ये हुआ कि ये मेरा नेचुरल पॉइंट है। इस नेचुरल पॉइंट जीरो, ये जो नेचुरल जीरो है, इससे पहले ही हमने पॉइंट इस पॉइंट पर करंट को ब्रेक कर दिया। तो यही घटना मेरी कहलाएगी करंट चॉपिंग। हाँ, हमारा डिस्कस ये यहाँ पर चल रहा था कि जब हमारी करंट यहाँ पर चाप हुई तो यहाँ पर भी एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ। वो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट एक्रॉस आयना जो मीडियम है उसको आयनाइज नहीं कर पाया। अगर सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच के मीडियम को आयनाइज नहीं कर पाएगा तो आर्क मेरी फिर से नहीं बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि करंट मेरी वहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा बना था, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच का जो मीडियम है उसको आयनाइज नहीं कर पाएगा। अब तो यहीं से मेरी करंट ख़त्म हो जाएगी और यही घटना कहलाएगी करंट चॉपिंग, या नेचुरल जीरो करंट है। इस नेचुरल जीरो से पहले हमने करंट को ब्रेक कर दिया, ये मेरा कहलाएगा करंट चॉपिंग की घटना। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, जब मेरा देखिए बार बार मेरा यहाँ से ऐसे ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना,
ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना, ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना, एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज ये बना, तो इसमें एक ये लिमिट थी, इसमें एक लिमिट थी। अगर प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा यहाँ से आगे गया, यहाँ से आगे गया, मतलब अगर इस मान से अगर अधिक मान आया प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज का, अगर यहाँ से अधिक, अगर यहाँ से यहाँ के बीच का यहाँ से अधिक अगर प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू आई, तभी वो आयनाइज मीडियम को, तभी वो सीबी कांटेक्ट के बीच के मीडियम को आयनाइज कर पाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर जब इतना मेरा वोल्टेज बनेगा, इतने वोल्टेज पर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा ब्रेकडाउन में नहीं आएगा। अगर मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर इतना वोल्टेज बना, इतना वोल्टेज बना, तो जो सर्किट ब्रेकर के बीच का जो ये मीडियम है वो आयनाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इतने वोल्टेज से अगर अधिक वोल्टेज बना, इतने वोल्टेज से अधिक मतलब इतने वोल्टेज से अगर अधिक वोल्टेज बना, तो जो ये सर्किट ब्रेकर के बीच का मीडियम है वो आयनाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक यहाँ से लाइन खींच दिया और हमने ये लिख दिया कि वोल्टेज एट विच आर्क रिस्ट्राइक, अगर यहाँ तक वोल्टेज आ गया तो आर्क रिस्ट्राइक करेगी, अगर यहाँ से कम वोल्टेज रहा तो आर्क रिस्ट्राइक नहीं करेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ से इसका वोल्टेज कम है तो यहाँ पर आर्क रिस्ट्राइक नहीं कर पाएगी। लेकिन और इससे पहले तीन केस ये हुए थे कि इस तीन केसों में हमने ये देखा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इस लिमिट से आगे तक बना, प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इस लिमिट से आगे तक बना। तो यहाँ इस कंडीशनों में आर्क मेरी रिस्ट्राइक हुई थी। ये देखिए हमने लिखा है फर्स्ट करंट चॉप, यहाँ पर करंट को हमने चॉप किया, उसके बाद जहाँ से करंट जीरो रही, उसके बाद यहाँ से जब मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बन जा रहा था, इस प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बनने के कारण आर्क मेरी फिर से रिस्ट्राइक हो जा रही थी, तो हमने ये लिख दिया फर्स्ट रिस्ट्राइक। यहाँ पर ये फर्स्ट रिस्ट्राइक हुआ और जैसे रिस्ट्राइक होगा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा फिर घट जाएगा। ये मेरा फर्स्ट रिस्ट्राइक होगा, इसी तरीके से ये मेरा दूसरा रिस्ट्राइक होगा, इसी तरीके से ये मेरा तीसरा रिस्ट्राइक होगा और यहाँ पर मेरी करंट जीरो हो जाएगी। ये रिस्ट्राइक की पोजीशन को दिखाया गया, ये आर्क करंट दिखाया गया। जब लास्ट में हुआ क्या, लास्ट में जब हमारा सर्किट ब्रेकर के बीच लास्ट में हुआ का, यहाँ करंट जब मेरी चॉप हुई उसके कारण जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना वो सिस्ट ये उसके कारण जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना वो सीबी कांटेक्ट, ये मेरा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, इसके बीच आर्क डेवलप नहीं हो पाया, इसके बीच आर्क डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आप इसके बीच आर्क डेवलप नहीं हो पाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि फाइनली जो इसके बीच जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना था वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, कुछ देर में वो मेरा हो जाएगा, लगभग कुछ देर में हो जाएगा सिस्टम वोल्टेज के बराबर, और जिसको मैं क्या बोलता हूँ रिकवरी वोल्टेज, जिसको मैं क्या बोलता हूँ रिकवरी वोल्टेज। तो इसीलिए हमने ये दिखा दिया कि करंट नेचुरल जब जैसे ज़ीरो होगा उसके बाद हमारा ये रिकवरी वोल्टेज आ जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ से रिकवरी वोल्टेज को शो कर दिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है करंट फाइनली सप्रेस्ड बिफोर नेचुरल ज़ीरो, ये वाला पॉइंट, और ये मेरा नेचुरल पॉइंट है, ये नेचुरल पॉइंट लिखा हुआ, इस नेचुरल पॉइंट से पहले हमने करंट को यहाँ पर सप्रेस कर दिया या तो हमने चॉप कर दिया। ये मेरा देखिए वोल्टेज एट विच आर्क रिस्ट्राइक, ये आपको बता चुका हूँ। ये मेरा क्या है प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज, ये लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज। ये मेरा क्या है प्रॉस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड विथ चॉपिंग, होता क्या है ये देखिए, यहाँ पर इतना प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ पर इतना प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ पर इतना प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ पर इतना प्रॉस्पेक्टिव, मतलब इसकी तुलना में ये वाला प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज कम है, इसकी तुलना में ये वाला प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज कम है। ये वाला प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर जो मैं करंट को मैं जो ब्रेक कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं करंट को ब्रेक कर रहा हूँ, पहले की तुलना में करंट कम है, पहले की तुलना में करंट कम है। अगर आप अधिक मान के करंट को ब्रेक करेंगे, मतलब अधिक मान मतलब ये हुआ कि 5 एम्पियर की जगह 6 एम्पियर, अगर 6 एम्पियर को आप ब्रेक करोगे तो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज इस वाले की तुलना में ज़्यादा बनेगा।
अब अधिक मतलब किलो एम्पियर में आप मत पहुंच जाइएगा, अगर किलो एम्पियर में आप पहुंच गए तो वहां करंट चॉपिंग की घटना होगी ही नहीं। ये स्मॉल इंडक्टिव करंट की बात कह रहे हैं। स्मॉल इंडक्टिव करंट की कंडीशन में जैसे जैसे करंट की वैल्यू अधिक होगी उस कंडीशन में प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज का मान अधिक आएगा। चलिए आइए इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं अपने लैंग्वेज में। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आइए हम लोग इसी चीज़ को लिख लेते हैं। ये थी आपकी पूरी कहानी करंट चॉपिंग की, और अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर करंट चॉपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझा दी गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में ज़रूर आपको करंट चॉपिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखिए, इसे में लिखिए, यही चीज़ अभी हम ये जो समझाए हैं फिगर में इसी चीज़ को हम अपने शब्दों में लिखना चाह रहे हैं। और आइए हम लोग लिखते हैं, लिखिएगा जब हम, लिखिएगा जब हम करंट को, जब हम करंट, कौन से करंट, स्मॉल इंडक्टिव करंट है, जब हम करंट को नेचुरल करंट जीरो से पहले चाप करते हैं तो करंट का मान जीरो हो जाता है। अब इसी में आगे लिखिएगा लेकिन क्या लिखिए चूंकि सर्किट मेरा इंडक्टिव है इसलिए इंडक्टर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई होगी और जैसे ही करंट को मैं चाप करता हूँ जैसे ही करंट को मैं चाप करता हूँ करंट तो जीरो हो जाती है लेकिन इंडक्टर में स्टोर हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सर्किट के स्ट्रे कैपेसिटेंस में सर्किट के
स्ट्रे कैपेसिटेंस में, सर्किट के स्ट्रे कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगी, जिसके कारण, आगे लिखिएगा, जिसके कारण सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट के एक्रास एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है और इसी में आगे लिखिएगा, और यदि प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज सीबी कांटेक्ट के बीच मीडियम को आयोनाइज कर दे तो पुनः आर्क रिस्ट्राइक हो जाती है। यहाँ तक आपने समझा होगा, इस स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ वो किसके कारण डेवलप हुआ, वो इसके कारण डेवलप हुआ कि जो मेरी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो जैसे ही हमारा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता है, करंट को चाप होती है, करंट को हम जीरो करते हैं। वो करंट जीरो हम कैसे करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बढ़ा के करते हैं, करंट को चाप करते हैं। तो जो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी होती है वो स्ट्रे कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है, और इसी के कारण मेरा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। ये प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज कहाँ डेवलप होता है, सीबी कांटेक्ट के एक्रास। अगर इस प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज का मान इतना ज़्यादा हुआ कि सीबी कांटेक्ट के बीच के मीडियम को आयनाइज कर दे, तो आर्क पुनः रिस्ट्राइक हो जाती है। अदरवाइज अगर प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज का मान इतना अधिक नहीं है कि वो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच के मीडियम को आयनाइज कर दे, तो वहाँ पर आर्क मेरी बुझ जाती है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज बना, इस प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज मेरा कितना होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज तो आप समझ रहे हैं होंगे, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है, उसी के कारण प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो उसी के कारण हमारा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। वो कब होता है, जब करंट चोपिंग की घटना होती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एट करंट चोपिंग। क्या होता है करंट चोपिंग घटना में, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी
एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में होता है। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहाँ थी? इंडक्टर में स्टोर थी। जैसे ही करंट मेरी चाप हो गई, करंट जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी के कारण मेरा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता है। तो आइए हम इसका अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 LI² और यहाँ पर L क्या है? उस इंडक्टर है, इंडक्टेंस, सर्किट का इंडक्टेंस। I क्या है? I वो करंट है, वो इंस्टेंटेनियस करंट है जिस पर हम चाप करते हैं, और इसका हो जाता है 1/2 CV² और यहाँ पर C क्या है? स्टोकेस्टिक है। V क्या है? जो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हुआ वही मेरा V है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 1/2 1/2 कट जाएगा, तो बचा हमारा क्या? LI² बराबर CV². अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, CV² बराबर LI², अभी तक हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, V² बराबर हो जाएगा LC² तो यहाँ से आप आ जाएगा V बराबर √LC×I². तो ये आपका V बराबर आ जाएगा, यहाँ से I का स्क्वायर है तो I आपका बाहर आ जाएगा, √LC। यहाँ पर जो V क्या है? V मेरा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज है, यही मेरा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का फार्मूला होता है। यहाँ पर I मेरा क्या है? यहाँ पर जो I है, ये वाला I, यहाँ पर जो I है वो है इंस्टेंटेनियस आर्क करंट एट विच चॉपिंग। ये क्या है? स्मॉल वी प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज है करंट के समानुपाती होता है। L और C चूँकि सर्किट के पैरामीटर हैं, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो V किसके समानुपाती है? I के। मतलब ये हुआ कि आप अगर अधिक मान की करंट को चाप करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज अधिक बनेगा, अगर कम मान के करंट को चाप करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज थोड़ा सा कम बनेगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करने पर आती है। आपकी अगर जो फॉल्ट भी होता है, फॉल्ट भी आप देखते हैं लगभग हमेशा मैक्सिमम कंडीशन में आपका इंडक्टिव माना ही जाता है, क्योंकि उस टाइम अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो रेजिस्टेंस मेरा जीरो हो जाता है, सर्किट एक तरीके की तरह प्योर इंडक्टिव की तरह बिहेव करने लगता है, और जो मेरी किलो एम्पियर में फॉल्ट करंट फ्लो होती है वो इंडक्टिव सर्किट में ही फ्लो होती है। लेकिन उस कंडीशन में करंट चापिंग की घटना नहीं होगी, करंट चैपिंग की घटना स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक करने में होगा। और ये किस में पाया जाता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ये होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट में इसलिए हो जाता है क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो मैं मीडियम यूज करता हूँ एयर का ब्लास्ट यूज करता हूँ, वो सभी कंडीशन में समान मात्रा में ही रहता है। मतलब अगर चाहे किलो एम्पियर वाली फॉल्ट करंट फ्लो करे, चाहे किलो एम्पियर वाली फॉल्ट फ्लो करे, तब भी मैं सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट है इसके बीच में जो एयर का ब्लास्ट करूंगा उतनी ही मात्रा में करूंगा, और चाहे स्मॉल इंडक्टिव वाली करंट फ्लो करे उतनी ही मात्रा में एयर का ब्लास्ट यहां पर मैं
करूंगा। तो होता क्या है, स्मॉल इंडक्टिव कंडीशन में ये ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट इतना अधिक होता है, ये स्मॉल इंडक्टिव करंट को ब्रेक कर देता है नेचुरली जीरो पॉइंट से पहले ही, और उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप हो रहा है। चलिए इसमें एक आध दो पॉइंट और बच रहा है, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक करंट चोपिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इसमें लिखिएगा इसमें लिखिएगा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, इसमें लिखिएगा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज की तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसको हम अभी बता भी चुके हैं बहुत अधिक होता है। दूसरा आप लिख लीजिएगा कि इस प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज को कैसे कम करें, उसके लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज करते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर करंट चॉपिंग के दौरान प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज से बचने के लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस स्विचिंग के बारे में हम लोग आगे हमारा टॉपिक आएगा तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो करंट चॉपिंग के टॉपिक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट चॉपिंग की घटना किस सर्किट ब्रेकर में होती है, तो आप बताते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। और ये भी पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस स्विचिंग कहाँ पर हम करते हैं, तो वहाँ भी आप बताते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहीं पर तो हमारा करंट चॉपिंग होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अगर आपको याद हो, तो हम आपको कितने टॉपिक बता चुके हैं, जैसे कि हमने आर्क वोल्टेज के बारे में आपको बताया होगा, फिर रिकवरी वोल्टेज हमारा आ गया था, फिर मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आया था, फिर मेरा आया था एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, फिर मेरा आया था रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और आज मेरा था करंट चॉपिंग। तो इन सारे टॉपिक को आप क्लियर करते हुए चलिए, किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको इतना क्लियर करते हुए आगे चलेंगे तभी आपको सर्किट ब्रेकर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आज का टॉपिक आपका करंट चॉपिंग। उम्मीद करते हैं आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।